डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज का टॉपिक है लिमिट्स। लिमिट्स आपकी क्लास 11th में देखा होगा आपने, ये चैप्टर है लिमिट्स के बाद डिफरेंस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से ये सिक्वेंस है। तो लिमिट समझने से पहले लिमिट का मीनिंग क्या है, तो लिमिट का मीनिंग ये देखिए कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपके पास कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1। अगर x 2 की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 किसकी तरफ अप्रोच करेगा। तो ये एक बेसिकली इट इज़ अ कर्व, ये एक कर्व है। इस कर्व को अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये इस तरह का एक कर्व है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू हो गई y माइनस 1। ये एक पैराबोला है और उसका वर्टेक्स है 0,1। तो 0,1 वर्टेक्स पे देखिए ध्यान से, 0,1 वर्टेक्स को लेके एक पैराबोला बना दिया। अब इस पैराबोला में अगर x की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ती है तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका, ये 1 मान लीजिए आप, ये आपका पॉइंट मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा हुआ है कि x अप्रोचेस टू 2, x 2 की तरफ बढ़ रहा है, x 2 नहीं है। तो x 2 की तरफ बढ़ रहा है मतलब x 2 की तरफ बढ़ रहा है, यानी x 2 की तरफ किधर से बढ़ रहा है, तो x 2 की तरफ दो तरफ से बढ़ सकता है, एक तो इस तरफ से बढ़ सकता है और एक इस तरफ से बढ़ सकता है। हमको 2 की तरफ जाना है, तो 2 की तरफ जाने के आपके दो रास्ते हैं, एक आप तो इस रास्ते से जाइए, आप इस रास्ते से जाइए। तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से जाएंगे तो ये जो कर्व है, कर्व इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मतलब y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट अभी नहीं करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपको पूछा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1, 5। अभी आपका वैल्यू है कि x जब 2 की तरफ जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 किस तरफ जाएगा, नेचुरली ये भी जाएगा 5 की तरफ। लेकिन आप उस डिस्कशन को थोड़ा सा गहराई से समझें, क्योंकि फिर जब अगला डिस्कशन है उसको भी मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये किस तरफ जाएगा, तो ये किस तरफ जाएगा, तो आप x की जगह अगर 1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0/0। तो 0/0, अब आप कैलकुलेटर से चेक करें कि व्हाट इज़ 0/0, तो इट इज़ नॉट 1, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उस पर भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस इशू लेटर ऑन। लेकिन अभी आप इतना समझें कि अगर x इस सवाल को लेकर के कि हमें इसमें x की वैल्यू एकदम से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो इधर से अगर आप अप्रोच करेंगे, इधर से अगर आप अप्रोच करेंगे 2 से थोड़ा सा पहले, तो 2 से थोड़ा सा पहले आपके पास जो पॉइंट होगा, इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी इस चीज़ में, तो लिमिट की बेसिक बात को आप समझ पाएंगे। ये आपका कर्व है, ये 0,1 वर्टेक्स, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1, तो फिर इसी के हिसाब से x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आएगा आपका। अब आप यहाँ से x 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर 1.5 होगा, 1.6, 1.7, 1.9, हमें 2 की तरफ बढ़ना है। तो 2 की तरफ बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दे दें आप, ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर x ले लें और यहाँ पर y ले लें, यहाँ पर x की वैल्यू आप किसकी पास लेंगे, 2 के तरफ जाना है आपको, तो जैसे 2 की तरफ जाना है आपको, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2,
और अगर आप x की वैल्यू 1 से अब बढ़ाएंगे, 1 से कितनी बढ़ाएंगे, 1.1 रख देंगे, तो यहाँ पर 1.1 रखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, 1.21 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.21 प्लस 1, 2.21। आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 2 थी, अब 2.21 हो गई। अब आप x की वैल्यू और बढ़ा दीजिए, आपको किस तरफ जाना है, आपको x की वैल्यू 2 की तरफ ले जाना है। तो फिर आप खुद ही पूछेंगे कि आप x की वैल्यू जब 2 की तरफ ले जाना है तो आप x की वैल्यू 1.1 क्यों रख रहे हैं, आप 2 के नज़दीक वाली वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं। तो अगर मैं नज़दीक वाली वैल्यू रखूँगा, 1.9 रख देता हूँ मैं, मान लीजिए कि 1.9 रख दी मैंने वैल्यू, और 1.9 को अगर आप इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखिए आप कितनी आएगी वैल्यू, x की वैल्यू 1.9। हमें 2 की तरफ जाना है, 2 की तरफ जाना है, लेकिन हम इतने ढोंग धतूरे क्यों करें, हम 1.2 क्यों रखें, हम डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं रखेंगे कि जो इसके 1. ये जो 2 के बिल्कुल नज़दीक हो। तो मैंने 1.9 रख दिया, तो 1.9 का स्क्वायर आएगा 3.61। 3.61 में अगर आप ये 1 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 4.61, वैल्यू बढ़ गई। अब हम x की वैल्यू 1.9 और आगे ले जाते हैं, इसको कितना आगे ले जाएंगे, तो हमको और करीब करीब जाना है। क्या ये 2 आ गया, नहीं ये 2 नहीं है, तो फिर हम क्या लेंगे इसकी वैल्यू, हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू 1.99 लेते हैं। तो 1.99 अगर हमने इसकी वैल्यू ली दोस्तों, तो 1.99 से क्या होने वाला है, 1.9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.9601, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4.9601। ये क्या, इज दिस 2? नो, दिस इज नॉट 2। तो फिर क्या करेंगे, और बढ़ा देते हैं वैल्यू, तो 1.99 कितना लें, अब फिर आप 4 बार ले लें, 5 बार ले लें, 6 बार ले लें, कितना ले लें, इज दिस 2? नो, दिस इज नॉट 2। तो अगर आपने x की वैल्यू कितनी ले ली, 1.49 ले ली, हमें 2 की तरफ जाना है, तो क्या हम 2 की तरफ पहुंच गए, नहीं पहुंचे, हम 2 की तरफ लिमिट कर रहे हैं, वी आर लिमिटिंग टूवर्ड्स 2। तो देखिए 1. अगर हम क्वाड्रानाइन ले लेते हैं तो 1.9 × 1.9 ये वैल्यू आई आपके पास दोस्तों 3.9960001। तो अगर मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगी अपनी वैल्यू 4.999। क्या ये 2 है, नहीं। अब अगर 2 ये नहीं है तो 1.9999 पेंटानाइन ले लो, हेक्सानाइन ले लो, हेप्टानाइन ले लो, 7 बार ले लो, 8 बार ऑक्टा ले लो, तो आपकी वैल्यू, सॉरी ये 4.99 है, तो उसमें आपकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी 4.999, इस तरह की वैल्यू हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या हम किधर की तरफ पहुंच रहे हैं, कैन वी से दैट वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5, क्या हम कह सकते हैं कि हम 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, यस वी कैन से दैट वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 5। इज इट इक्वल टू 5? नो, इट्स नॉट इक्वल टू 5। ये हमने किधर से मूव किया है, हमने वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स 2, 2 की तरफ मूव किए हैं, पर हम लेफ्ट साइड से किए हैं। तो इस लिमिट को अगर जब हम, वेन वी मूव फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम दिस साइड, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन उस तरफ से भी हम आ सकते थे दोस्तों, उस तरफ से भी हम आ सकते थे, उस तरफ से हम क्या रख देते पहले x की वैल्यू, हम 3 रख सकते थे, 4 रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। फिर वही बात हो जाएगी, 3-4 क्यों रखना, हमें तो 2 की तरफ पहुंचना है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 2 के बिल्कुल करीब का पॉइंट रखते हैं, तो हम बिल्कुल करीब का पॉइंट रख देते हैं दोस्तों, 2.1 रख देते हैं। तो जब हम 2.1 रख देते हैं तो 2.1 रखने से क्या होगा, तो 2.1 रखने से यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 2.1 का स्क्वायर 4.41 होता है, वो 4.41 में ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा इधर से मूव करते हैं हम, यहाँ से करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं 2.1, 2.1 से हमने मूव यहाँ पे किया 2.1 से, तो ये हमारे पास आया 4.1 प्लस 5.41 आ गया। अब हम और छोटा कर देते हैं इसको, 2.01 कर देते हैं, तो 2.01 करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, 2.01 करेंगे तो क्या होगा,
2.01 × 2.01 तो ये आ जाएगा 4.0401 और उसमें प्लस वन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 5.00401। फिर हम 2.01 क्या ये 2 है? नो इट इज़ नॉट 2। 2.01 से आप और इधर की तरफ मूव करेंगे, और इधर की तरफ मूव करेंगे तो आपको आ जाएगा मान लीजिए 2.0001 आ जाता है। तो 2.001 की वैल्यू कितनी होगी? 2.001 अगर आपने x की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? तो 2.001 × 2.001 प्लस अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 5.00401। और अगर आप और छोटी वैल्यू डाल देंगे जो बिल्कुल 2 के करीब है, बिल्कुल 2 के करीब है, 2 पॉइंट मान लीजिए आपने डाल दिया 2.01 आपने डाल दिया 2.01 तो देखिए आप और इसके करीब पहुंच जाएंगे तो 2.01 × 2.01 ये आपका आ जाएगा दोस्तों 4.0401। फिर आप डालेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा 5.0000 फिर 4000 इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। तो आप देखो कि अगर आप मूव करते हैं, इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो आप किधर की तरफ पहुंचते हैं? आप किधर से पहुंचे? इधर से आप पहुंचे तो किस तरफ पहुंचे? जब आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे थे तो आप पहुंचे 4.9999, आपका ये बढ़ता ही जाएगा 9। जब लेफ्ट साइड से मूव करें तो इधर, जब आप राइट साइड से मूव करें तो वैल्यू आई आपके पास 5.0000, इस तरीके की वैल्यू आई। तो लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड से मूव करेंगे, तो जब दोनों डायरेक्शन से मूव करेंगे तो आप क्या कह सकते हो? कैन यू से दैट दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू 5? अगर आप ऐसा कह सकते, इफ़ यू कैन से दैट इफ़ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड आप इफ़ आई मूव फ्रॉम राइट साइड, और दोनों डायरेक्शन से मूव करते हैं तो दोनों डायरेक्शन से जब इसकी वैल्यू क्या आती है? अप्रॉक्स वैल्यू 5 आती है। दैट इज़ वाई इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज़ 5। इट इज़ नॉट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि आप ये जब लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड से मूव करेंगे, तो इफ़ यू विल मूव फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस एंड ऑन मूविंग फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन इट्स अप्रॉक्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या? 5। अगर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक डायरेक्शन से मूव करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आए, दूसरी डायरेक्शन से मूव करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आए? इज दिस पॉसिबल? यस इट मे बी पॉसिबल कि एक डायरेक्शन से अलग वैल्यू आए, दूसरी डायरेक्शन से अलग वैल्यू आए। तो उस केस में क्या कहेंगे? देन इन सच केसेस इट इज़ बीइंग सेड दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा होता है कि उस केस में कहेंगे हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें आप मान लीजिए कि कर्व, इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम कि किस तरह का है, पर भी मान लिया कि कुछ इस तरह का है। और जब हम बोल रहे हैं कि एक्स एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है इसका ग्राफ, अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या होगा, ठीक है, अदरवाइज इट इज़ अ लाइन दैट आई नो बट आई डोंट से दैट इट इज़ अ लाइन राइट नाउ। तो आप तो एक काम करें कि एक्स की वैल्यू इसमें क्या डालें पहले? अब आप एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 ना डालें। अगर आप एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो दिस विल बी द आउटकम, ये आउटकम होगा विच कैन क्रिएट अ डेंजर सिचुएशन। 0/0 इज़ नॉट नोन टू एनीबडी, 0/0 किसी को मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर क्या करेंगे आप? तो एक्स की दूसरा तरीका है, एक्स की वैल्यू आप 1 पॉइंट क्या लें, एक्स की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करना है, तो अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो क्या लेंगे आप वैल्यू? 0.9। फिर क्या लेंगे आप? 0.99, फिर 0.999, इस तरीके से। और इस तरीके से अप्रोच करते करते
आप जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप नोटिस करिए, जैसे मैं मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ, 0.99 लेता हूँ लेफ्ट से, और राइट से अगर मुझे इधर से आना है तो 1 के आसपास की वैल्यू क्या लेना पड़ेगी मुझे, 1.001 या जितना और करीब आ सकते हैं, 1.001, 1.0001 जितना करीब आ सकते हैं। देखें आप उसकी वैल्यू, मैं कैलकुलेटर से और आप कैलकुलेटर से चेक करते हैं क्या आएगा। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन से, और दोनों डायरेक्शन से वी विल बी नोटिसिंग दैट आर दे मीन्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर, क्या वो दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो 0.99 का स्क्वायर 0.99, ये आ गया 0.9801, इसकी वैल्यू 0.9801 में से माइनस वन करूँगा तो ये आया मेरे पास -0.0199 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस वन तो डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस वन मीन्स आपका 0.1 आएगा। तो 0.1 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू जो अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है दोस्तों, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है 1.99। अब मैं इधर से जब मूव करूँगा तो इधर से मैं मूव करता हूँ तो x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ये वाली वैल्यू और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए 1.001 स्क्वायर तो इंटू 1.001 ये आ गया 1.002001 माइनस वन भी कर दिया डिवाइडेड बाय 1.001 में से 1.001 में से माइनस करूँगा 1 तो हो जाएगा 0.001 तो डिवाइडेड बाय 0.001 सो इट इज़ 2.001। अभी ये मैंने 1.001 लिया, अगर मैं इसमें 1.00001 इस तरीके से लेता तो इसकी वैल्यू इस तरीके की हो जाती, अगर इसकी वैल्यू और बढ़ा देते तो इसकी वैल्यू इस तरीके से बढ़ती। तो कहने का मतलब क्या है कि जब x 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, अप्रॉक्स वैल्यू 2 है। जब ये राइट साइड से इधर आ रहा है तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी जो लिमिट की वैल्यू है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 होगी। वैसे तो इसे बड़े आसानी से किया जा सकता है, हाउ कैन दिस बी डन, लेट मी से, इसको बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 इसके फैक्टर बना दिए और x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, आप बोलते हैं कि x की जगह 1 रख दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ गया आंसर 2। तो आंसर इज़ नॉट एन इश्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस लिमिट इज़ कि हम किस तरफ से पहुंच रहे हैं। जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये अगर हमारे पास 2 है तो ये इससे पहले का पॉइंट जो होगा, इससे पहले का पॉइंट और इसके बाद का पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बहुत छोटा पॉइंट है और मतलब सॉरी बहुत करीब है 2 के, तो क्या बोलेंगे उसको, 2 माइनस h। और इधर से जब हम करेंगे मूव तो इसको बोलेंगे 2 प्लस h। अगर ये 2 माइनस h है तो हम 2 के बहुत करीब चाह रहे हैं, तो हम बहुत करीब जब चाह रहे हैं तो h को क्या होना चाहिए, h को बहुत छोटा होना चाहिए, तो h शुड टेंड टू 0, h की वैल्यू लगभग निगलिजिबल होना चाहिए। तो 2 के इधर 2 माइनस h, 2 के उधर 2 प्लस h। अब ये 2 माइनस h है तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर इसको y ना लिखते हुए मैं क्या लिख दूँ इसको, इसको f ऑफ x लिख दूँ, तो f ऑफ x लिख दूँगा तो 2 माइनस h के करीब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें, 2 माइनस h के कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, तो ये मेरा बन जाएगा f ऑफ 2 माइनस h। 2 के लिए क्या हो जाएगी, 2 के लिए ये वैल्यू ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, f ऑफ 2। 2 प्लस h
ये है 2+H, दिस इज वॉट 2+H, ये 2+H है, तो ये 2+H है, तो ये क्या बन जाएगा आपका f of 2+H. अब आप जब इधर से इधर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे ये वैल्यू इधर ले जाओगे, h छोटा छोटा होता जाएगा, तो ये लाइन इधर होती जाएगी, 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 और जा कर के कहाँ पे यहाँ पर मीट कर सकती है। लेकिन 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 ध्यान से देखें, जैसे इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि किसी ने बोला कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, आपका एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है, तो आप एफ ऑफ वन निकालो, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, जीरो अपॉन जीरो। आप जैसे पहले कैंसिल कर देते थे एक्स स्क्वायर से एक्स को और एक्स लिख देते थे, वैसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जब तक एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है कि एक्स क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अनटिल यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स यू कैनॉट कैंसिल इट, आप इसको अब कैंसिल नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे अलजेब्रिकली कैंसिल करते। तो इस केस में मैं आपको समझाता हूँ, मैं और इसको करीब से समझाता हूँ आपको, ताकि आप इसको, इसका फिगर को मैं और बड़ा कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है। देखिए ये हमारा कर्व था, पीछे के भाग की हम चिंता नहीं करते, आगे की करते। ये हमारे पास x इज इक्वल टू टू है, मान लीजिए ये x इज इक्वल टू टू है, ये आप यहाँ से, ये कुछ इस तरह के था, ये कर्व है आपका, ये x इज इक्वल टू टू, ये 0,1 था, ये था, ठीक है। कर्व कैसा था आप उसके बारे में ज़्यादा गहराई पे मत जाएं, आपको ये पॉइंट है 2, आपको इसकी तरफ पहुँचना है, 2-H थोड़ा दूर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 2+H कर देता हूँ। जब आप 2-H पे होंगे, इस पॉइंट पे होंगे, तो कर्व की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये होगी, क्या होगी उसकी वैल्यू, एफ ऑफ 2-H, ठीक। अगर आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब बेसिकली यू आर एट दिस पोजीशन, यहाँ पर है, और कर्व की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 2+H। जैसे जैसे h को आप गिराते जाएंगे, h आपका छोटा होता जाएगा, तो वैसे वैसे आप इधर मूव कर रहे होंगे, कैसे देखो आप, अगर मान लीजिए h की वैल्यू 0.1 है, तो h की वैल्यू 0.1 है, तो 2-0.1 1.9 होगा, तो आप यहाँ पर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर होंगे। अगर आपकी h की वैल्यू और छोटी हो गई, 0.001 हो गई, 0.01, तो अब आपका 2-H का वैल्यू कितना होगा, 2-H का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.999 हो जाएगा, और आप उस तरफ आ जाएंगे, किस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। तो जब आप इस तरफ आते जाएंगे, तो ये जो आपका f ऑफ 2-H का वैल्यू है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे, ये आपकी वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे इधर से करेंगे, इधर भी देखिए आप, अभी h की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए h की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, h अगर 0.1 है आपका, तो 2+H आपका 2.1 हो गया, तो 2.1 में वैल्यू कितनी थी इसकी, आपने देखी थी 2.1 में इसकी वैल्यू थी 2.1² + 1, तो 2.1 का स्क्वायर 4. आपका था 4.41 में ये जोड़ा तो 5 समथिंग है। फिर अगर आपने h की वैल्यू और कम कर दी थी, h की वैल्यू 0.001 कर दी थी, तो इसकी वैल्यू गिर गई थी, तो जैसे जैसे आप h की वैल्यू कम करते जाएंगे, तो आप इधर की तरफ मूव करते जाएंगे, इधर की तरफ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इधर मूव करेंगे। अगर आपने h की वैल्यू और छोटी कर दी, तो आप इधर करेंगे। तो आप ऐसा करते करते क्या करते हैं, इधर से जाते हैं, इधर से जाते हैं, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है, एग्जैक्ट वैल्यू आप मीट नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे इसमें भी आपने देखा था, तो जब हम लेफ्ट से मूव कर रहे थे,
तो इसमें ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू आ रही थी आपकी 4.999999 आ रही थी। जब हम राइट से आ रहे थे इसमें आपने देखा होगा तो हम आ रहे थे 5.000001। तो हम क्या बोल रहे थे कि इन दोनों की अप्रॉक्स वैल्यू किसके बराबर है, तो ये इधर से मूव करेगा, ये इधर से मूव करेगा, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, एक अप्रॉक्स रिजल्ट के करीब पहुँच जाएंगे। उस अप्रॉक्स रिजल्ट को ही लिमिट कहते हैं। लेकिन हाँ, कभी ऐसा हुआ कि इससे हम अलग डायरेक्शन में पहुँच रहे हैं, उससे हम डायरेक्शन में अलग पहुँच रहे हैं, एक डायरेक्शन में एक पॉइंट पे हम मीट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ग्राफिकली कैसे समझेंगे उसको भी देखते हैं कि ग्राफिकली हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस, फिर मैं आपको इसकी बेसिक बात लिखूंगा। तो ग्राफिकली कैसे समझेंगे, तो आपको मान लीजिए एक कर्व दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, और दिया है एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन। अब आपको इसमें पूछा उन्होंने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब लेफ्ट साइड से जाओगे तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका 1 है, तो 1 के लेफ्ट साइड से जाएंगे आप वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, 0.99। जब 1 के राइट से आएंगे वैल्यू तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, 1.001, इस तरह की वैल्यू। तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, इसमें ध्यान दें आप, जब मैं x की वैल्यू यहाँ मैं बना देता हूँ पहले टेबल, फिर हम ग्राफ पे आएंगे। x की वैल्यू ध्यान से देखें, 1 के करीब हमें पहुँचना है, कहाँ पे पहुँचना है, वी विश टू अप्रोच टूवर्ड्स 1, लेकिन 1 के करीब कैसे पहुँचेंगे, तो हम 1 के करीब पहुँचेंगे पहले 0.9 डाल के, 0.9 कहाँ आएगा, तो ध्यान दें इस y मीन्स एफ ऑफ एक्स, तो आप कन्फ्यूज मत होना, y एंड एफ ऑफ एक्स बोथ आर सेम थिंग। तो f of 0.9 किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो f of 0.9 अगर उसमें सब्सटीट्यूट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0.9, किसी में भी नहीं रख सकते आप, कंडीशन है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 की तरफ बढ़ना है हमें और आगे बढ़ते हैं, ये 0.99, तो इससे भी कितना मिलेगा हमें, 0.99। और अगर हम x के नज़दीक पहुँचने वाली वैल्यू ले लें, 100 टाइम्स ले ले मान लीजिए, ये हमने 100 टाइम्स ले ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आउटकम, 0.999999 टाइम्स। अब ये हमने लेफ्ट साइड से पहुंचना चालू किया था, अब अगर हम राइट साइड से पहुंचते हैं तो राइट साइड से कैसे पहुंचेंगे, तो राइट साइड से देखिए, ध्यान से देखिए, राइट साइड से हमें 1 की तरफ पहुँचना है, तो राइट साइड से अगर 1 की तरफ पहुँचेंगे तो यहाँ 1 है, अगर आप यहाँ से 1 के करीब आएंगे तो 1 के करीब की कोई वैल्यू बोलिए, जैसे आपने बोला 1.1, तो 1.1 x की वैल्यू है और x की वैल्यू 1.1 विच इज़ बिगर देन 1, तो इस अकाउंट में जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1.21। अगर आप 1 पॉइंट और करीब आना है आपको, आप 1 के करीब आ रहे हैं, अभी आप यहाँ पे थे 1.1 के साथ, और करीब आना चाहते हैं आप, तो आप ले लीजिए 1.01 ले लीजिए। जब आप 1.01 लेंगे तो यहाँ पे 1.01 सब्स्टिट्यूट करिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2.01। और करीब आना चाहते हैं आप 1 के, ये ले लीजिए आप, तो ये कितना आएगा, 2.01। और करीब आएंगे आप, पर आप बहुत करीब करीब आते आते भी 2 से ज़्यादा इधर नहीं आ पाएंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई। जब आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स राइट साइड, जब राइट साइड से मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 के करीब आती है, और जब आप लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, पॉइंट
9999 यानी अप्रॉक्स 1 आती है। जब आप लेफ्ट साइड से मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, जब आप राइट साइड से मूव करते हैं तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। एंड दीज टू वैल्यूज कभी भी आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी, और कहीं नहीं आएंगी इसलिए ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर इसका मैकेनिकली अगर आप देखा अभी हमने, और अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो तो ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली क्या बनाएंगे आप, तो पहले आपको y की दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x में खास बात है कि इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में क्या खास बात लेनी है, x की वैल्यू लेस देन 1 लेनी है, x की वैल्यू 1 से कम लेनी है। तो x की वैल्यू 1 से कम लेनी है तो आप क्या ले सकते हैं, 1 से कम 0.9 ले सकते हैं, यस 0.999 ले सकते हैं। तो अगर आप 0.99 डालेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0.99 मिलेगी। उससे कम डालेंगे, 0 डाल देते हैं मान लीजिए, तो कितनी मिलेगी इसकी वैल्यू, 0 मिलेगी। अगर आपने -1 डाल दिया तो -1 मिलेगी। इस तरह से फिर इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको 0.0 ये 0.0 है, 0.99.99 कहाँ होगा, तो 0.99.99 यहाँ पर होगा, ये मान लीजिए 1 है, तो 1 से थोड़ा सा पहले ये 1 है, 0.99.99 इस तरह की ये लाइन होगी। क्या आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू x होगी जब x लेस देन 1 है। तो जब आप 1 नहीं रख सकते, 1 से छोटी वैल्यू ही रख सकते हैं, तो आप 1 पे ऐसा करते हैं इसको हॉलो बना देते हैं। हॉलो का मतलब होता है कि 1 नहीं रख सकते, 1 से छोटी जो भी वैल्यू होगी वो रख सकते हैं। और अब दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसमें 1 रख सकते हैं और 1 से बड़ी। तो x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे आप, y की वैल्यू 3 आएगी। तो 1.2 कहाँ होगा, ये 1 है, ये 1.2 होगा, ये यहाँ पर 2 होगा। तो ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और 2 कॉमा क्या है, 3 है, तो ये 2 होगा आपका यहाँ पर पॉइंट, तो 3 यहाँ पर होगा, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये 2.3 हो गया, ये पॉइंट आपका 1.2 हो गया, ये 2.3 हो गया। अब इसका ग्राफ यहाँ से बनाया, 1 पॉइंट इसमें रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 इसमें रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 इसमें रख सकते हैं, तो ये एक सॉलिड पॉइंट हो जाएगा। इसको जैसे इसको ओपन, इसको बीच में हमने क्या रखा है, इसको खाली रखा है, इसको बीच में खाली नहीं रखना, इसको बीच में सॉलिड बनाना है। मतलब x की वैल्यू 1 इसमें नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हैं। अब आप देखने की कोशिश करो, जो मैं लिमिट के कंसेप्ट की बात कर रहा था कि अगर आप x की वैल्यू ध्यान से देखिए, अब मुझे ये कर्व है मेरा, अब ये कर्व है, मैं 1 के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं 1 माइनस एच की वैल्यू गिरा गिरा के मैं 1 के करीब जाऊँगा यहाँ करीब जा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 पे पहुँच रहा हूँ। पहले मैं यहाँ था, यहाँ 1 यहाँ था, तो यहाँ था, इसके और करीब पहुँचा तो यहाँ था, मतलब मैं मूव करते जा रहा हूँ और कहाँ पे पहुँच रहा हूँ, 1 पे पहुँच रहा हूँ। और जब मैं इस साइड से मैं मूव करके आता हूँ, तो पहले मैं यहाँ था, देखिए जब मैं यहाँ था तो ये यहाँ था, तो यहाँ थी पोजीशन। जब मैं और करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ था, और करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ था, जब मैं और करीब आ रहा हूँ तो ये यहाँ पर हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये कम होते होते पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, कम होते होते कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है, और ये कहाँ पे, 1 पे। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिल सकते हैं, कभी नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने इसको ग्राफिकली देखा, लेकिन ग्राफ से बहुत सारी बातें एकदम से भी क्लियर हो जाती हैं
ग्राफ से कैसे बात क्लियर होती है देखिए, ये पॉइंट था आपका, ये पॉइंट था आपका वन पे, ये वन था, फिर ये यहाँ पे चालू हो गया वन से, और ये इस तरीके से जा रहा है, दोनों का स्लोप एक जैसा है, एक ही बड़ा, ये है आपका, ये वन पे ये वन था। अब ये देखें, ये पॉइंट ऑफ जो डिस्क, ये यहाँ पे देखें, लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे इसमें ब्रेक है, इस पॉइंट में इसमें ब्रेक है, तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और देखिए यहाँ से यहाँ पर तो वन के पहले पहले से आप यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे, और वन जैसे ही वन आएगा या वन के उधर जाएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमने ग्राफिकली देखा, वैल्यू रख के भी देखा, क्वेश्चंस आर नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, व्हाट बेसिकली वी डू इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो वी यूज टू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देन फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज माई राइट, फॉर इट इज़ फॉर यू इट इज़ लेफ्ट, एंड दिस इज माई लेफ्ट बट फॉर यू इट इज़ राइट। तो आप इधर से बढ़ते हो, आपका हाथ वो होगा, तो जब आप इधर से बढ़ते हो तो लेफ्ट साइड से बढ़ते हो, जब आप इधर से बढ़ते हो तो राइट साइड से बढ़ते हो, और आप क्या करते हो, तो बेसिकली क्योंकि अगर इस पूरे प्रोसेस में आप समझते हैं कि कोई एक, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, किसी पॉइंट पे आप लिमिट निकालने की कोशिश करते हो x इज इक्वल टू a पे, तो आप इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, जब आप इधर से आएंगे तो x की वैल्यू होगी a माइनस h, जब आप इधर से आएंगे तब आप x की वैल्यू होगी a प्लस h। h को जैसे जैसे गिराते जाएंगे आप इस तरफ बढ़ने लगेंगे, h को जैसे जैसे इस तरफ गिराएंगे तो इस तरफ बढ़ने लगेंगे, जब दोनों तरफ से गिराते गिराते लाएंगे तो जो दोनों की अप्रॉक्स वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इस चीज को, इस चीज को इसका नेबरहुड भी कहते हैं, इसको x इज इक्वल टू a का नेबरहुड, a माइनस h a प्लस h, क्योंकि a इसके अंदर बिलोंग करता है। और अगर आपकी वैल्यू f ऑफ a माइनस h लेफ्ट साइड से मूव करते हैं और h को कम करते जाते हैं तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप इसी तरीके से उधर से मूव करते करते आएंगे तो आप इसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे, किसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ a प्लस h। जब आप h की वैल्यू कम करते करते इधर की तरफ मूव करेंगे तो आप, इसका मतलब है h की वैल्यू जब कम करेंगे तो आप उधर नहीं जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो ये राइट हैंड लिमिट है। इसको लिखने के लिए दो नोटेशन कुछ अलग से भी हैं, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इसे f ऑफ a माइनस ऐसा लिख देते हैं, कभी कभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास है, सॉरी इसके लिए आप, एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए आपके पास इस तरह से है, x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, और इसके लिए है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट के लिए इसी तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, सॉरी f ऑफ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस है, f ऑफ माइनस f ऑफ, यहाँ पे प्लस आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। दो तरीके हैं इसके, इसके भी दो तरीके हैं, देर आर टू वेज टू फाइंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ देखें, ये इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक दो, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं, और जो यूजुअली अच्छा तरीका है वो ये है या ये है।
तो दो में से हम कोई भी एक तरीका यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं, जब ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं, देन वी यूज़ टू से, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर ये दोनों बराबर आएँ, और बराबर आने के साथ साथ फाइनाइट भी आना चाहिए, फाइनाइट और फिक्स्ड, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इनकी वैल्यूज़ के बराबर होगी। तो कहने का मेरे मतलब है, एट द लास्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट एंड फिक्स्ड अगर ये हो तो ये एग्जिस्ट करेगी, और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की फाइनाइट फिक्स्ड होना चाहिए। वेयर राइट हैंड लिमिट इज व्हाट, वेयर राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। इफ दीज टू आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और इसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये एग्जिस्ट करेगी, इफ़ इट एग्जिस्ट, तो इफ़ इट एग्जिस्ट तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तब इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। और हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसकी ये वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड तरफ से और राइट हैंड तरफ से अप्रोच करने से जो हमें वैल्यू आ रही थी उस तरह की। तो चलिए दोस्तों, एक इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें आपको ये प्रोसीजर समझने को मिले। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू टू एंड एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज लेस देन टू। आपको लिमिट किस पे चेक करनी है, टू पे चेक करनी है। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू टू पे चेक करना है। तो जो हमारा राइट हैंड लिमिट है, इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो गई, टू। तो राइट हैंड लिमिट कितनी होगी हमारी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होती थी, तो यहाँ हो जाएगी दोस्तों टू प्लस एच। एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, निगलिजिबल है, लेकिन पॉजिटिव है। एच बहुत छोटी निगलिजिबल है पर पॉजिटिव है, दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो एफ ऑफ टू प्लस एच मतलब एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है, तो इस अकाउंट में जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टू प्लस एच होल स्क्वायर प्लस टू। अब h की जगह ज़ीरो रख देंगे आप, तो टू प्लस एच होल स्क्वायर, तो h की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू, यानी इसका वैल्यू सिक्स आएगा। कहने का मतलब है, जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसकी राइट हैंड लिमिट किसकी तरफ अप्रोच करेगी, सिक्स की तरफ अप्रोच करेगी। जो हमने ग्राफ में देखा था कि राइट साइड से अगर आप मूव करेंगे, इफ़ यू विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो आप सिक्स की तरफ अप्रोच करेंगे। और जब आप लेफ्ट हैंड निकालेंगे लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, पर हमारा ए टू जो है वो टू है, इसलिए एफ ऑफ टू माइनस एच। ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, टू माइनस एच मीन्स स्मॉलर देन टू, तो ये केस हम यूज़ करेंगे। तो टू माइनस एच माइनस टू 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 गेट कैंसल्ड व्हेन एच टेंड्स टू जीरो, जब एच जीरो की तरफ जाएगा तो माइनस एच विल टेंड टू माइनस जीरो, माइनस जीरो एंड प्लस जीरो यू नो ऑल आर सेम। तो
ध्यान से देखें कि राइट साइड से जब आप मूव करेंगे तो यू विल मूव टू 6, और जब लेफ्ट से मूव करेंगे तो 0 की तरफ पहुंचेंगे. दे आर नॉट इक्वल. तो सिंस राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. अब एक दूसरा केस मैं आपसे डिस्कस करता हूं जिसकी लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. लिमिट ध्यान से देखिए. फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एक्स. और क्या गिवन है हमको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट, व्हेन एक्स इज नॉट 3. और ये दे दिया हमें, मान लीजिए कि हमें यहां पर दे दिया है 6 दे दिया व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3. वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 हो 7 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट के लिए पर्टिकुलरली. तो राइट हैंड लिमिट, और हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है लिमिट? 3 पे निकालना है. तो इस केस में राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच. 3 प्लस एच मीन्स नॉट 3, ग्रेटर देन 3 है, नेचुरली इट इज़ ग्रेटर देन 3. पर हमारे पास दो ही क्राइटेरिया हैं, इफ इट इज़ नॉट 3 देन यूज दिस, इफ इट इज़ 3 देन यूज दिस. तो सिंस 3 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एच में जो 3 प्लस एच है वो नॉट 3 है, तो नॉट 3 है तो इस अकाउंट में जाएगा. तो ये जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3. माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0, उसको 3 प्लस एच होल स्क्वायर को खोल दें तो 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच माइनस 9, 9 से ये 9 कैंसिल अपॉन एच. अब आपके पास आ गया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एच प्लस 6 अपॉन एच. ये एच एच कैंसिल, ये आ गया आपका 6. क्या इसका इससे कोई लेना देना है? नो, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है. चाहे तो आप यहाँ 16 लिख दीजिए, इसका कंटिन्यूटी से मतलब है, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिट ओनली हियर. तो इसकी राइट हैंड लिमिट ये है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है. दैट इज़ वाई आई चेंज्ड दैट वैल्यू, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो. एफ ऑफ 3 माइनस एच, 3 माइनस एच इज नॉट 3, तो 3 माइनस एच नॉट 3, तो ये वाला हमको फिर लेना पड़ेगा. तो 3 माइनस एच इसमें रख देंगे, 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3. ये 3 कैंसिल. लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 9 अपॉन माइनस एच. ये 9 कैंसिल हो गए. क्या यहीं पर कैंसिल कर दें एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3? नहीं, यहाँ नहीं कैंसिल करना है, अपने को बचना है. तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन ले लें, एच माइनस 6 अपॉन माइनस एच. एच से एच को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 आएगा. अब h की जगह 0 जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिएगा क्या होने वाला है. जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आएगा यहाँ पर 0 माइनस 6 अपॉन माइनस 1. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ये वैल्यू 6 आ गई. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई हैं, दैट इज़ वाई लिमिट एग्जिस्ट करती है. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6. ये इसके बराबर होना जरूरी है क्या? इज़ इट नेसेसरी दैट दिस शुड बी इक्वल टू दिस? नो, इट डज नॉट. अगर ये इसके बराबर होगी तो क्या होगा? तो देन इट बिकम्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूटी वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास. तो उस नेक्स्ट क्लास मीन्स राइट नाउ यू आर इन क्लास 11,
those who are discussing this limit. And if you wish to discuss about continuity, then you will have to see videos on continuity. So this was all about, this was basic concept of limits. And my best wishes with you. Or meri request hai ki channel like, share aur subscribe kare aur doston tak baat pahunchaye. और जो लिमिट्स के आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक क्लिक करें, आगे के वीडियोस देखें. विश यू ऑल द बेस्ट.